नमस्ते, मैं डॉक्टर ए एस जामा, यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यहाँ फोर्टिस शालीमार बाग दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारी टीम में डॉक्टर विकास जैन जो कि यूरोलॉजिस्ट और हेड है हमारे ट्रांसप्लांट यूनिट के, और डॉक्टर सुमन लतामा जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि ट्रांसप्लांट के दवाइयों वाले डॉक्टर रहते हैं, ये हमारे हेड हैं। मैं कोटा राजस्थान से हूँ और अभी यहाँ दिल्ली में इस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट के क्या फायदे हैं और किसको कराना चाहिए और इसका भय दूर करने के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट, अगर आपके घर में किसी का गुर्दा खराब आ चुका है, डायलिसिस जिसमें कि खून को साफ करने की मशीन पे रखा जाता है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आपको अस्पताल सिर्फ डायलिसिस कराने जाना पड़ रहा है, तो आपको ट्रांसप्लांट जो कि एक अच्छा उसका अल्टरनेटिव है उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। इसका भय जो है वो आपके अंदर से दूर हो जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट के फायदे क्या हैं? एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मरीज है जिसको कि हर हफ्ते 3 बार अस्पताल में 3 से 4 घंटे बिताने पड़ रहे हैं, वो कम हो जाए। वो अपने दिन के खुद की सारी प्रक्रिया खुद कर सकता है, काम पे जाना 3 महीने बाद शुरू कर सकता है, उसका जो खुद का अर्निंग है, खुद का जो लिविंग के लिए जो पैसा कमाना है उसके तरफ भी वो बढ़ सकता है। अब इसमें क्या तकलीफें आती हैं कि हमारे को डोनर मिलता है तो डोनर के अंदर जो गुर्दा दे रहा है आपको, उसको डर लगता है कि उसकी सेहत में तो कोई खराबी नहीं आएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, फोर्टिस दिल्ली में शालीमार बाग में डोनर का जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो दूरबीन से कर रहे हैं। दूरबीन से यानी कि बड़ा चीरा नहीं लग रहा है, ना ही मांसपेशियां कट रही है, ना ही आपकी पसलियां जो निकाली जाती हैं गुर्दा निकालने के लिए डोनर की, वो भी नहीं करी जा रही। हम दूरबीन से इसको निकाल रहे हैं और जो रिसिपियंट है जो कि जिसकी गुर्दा खराब हो चुका है उसमें लगा रहे हैं। तो जो डोनर है वो करीबन 3 दिन में घर चला जाता है, छुट्टी हो जाती है, और हफ्ते भर में जो काम पहले कर रहा था अपने खुद के स्वयं के और दिनचर्या के, वो सब वो वापस करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी में कोई उसको तकलीफ नहीं आती है, उसकी जो उम्र है वो उतनी ही रहती है, बल्कि ऐसा देखा गया है कि वो एक गुर्दा देने के बाद अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने लगता है तो उम्र थोड़ी बढ़ भी जाती है। तीसरी चीज जो पैसों का इशू है, जो कॉस्ट है, जो डायलिसिस में लगातार 3 साल 4 साल अगर वो डायलिसिस करा रहा है पेशेंट, जो उसमें कॉस्ट लगनी है उसको अगर हम हमारे ट्रांसप्लांट से कंपेयर करें तो वो 1/3 या 1/4 भी नहीं है ट्रांसप्लांट की कॉस्ट। तो मैं आपको यही प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ें, और हम फोर्टिस शालीमार बाग दिल्ली में ये कर रहे हैं। ये जो टीम है ये करीबन 1100 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर चुकी है, तो आप हमारे को सेवा करने का मौका दें।